नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सप्ताह से हमें जहां मैहर स्थित सहारा बैंक में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। सहारा बैंक में ही एक महिला एजेंट के चप्पल से पिटाई करत के वीडियो सामने आवा है। अपना बताई दे कि आधा दर्जन महिलाएं सहारा बैंक के भीतर सकाए के महिला एजेंट के चप्पल से पिटाई करे। वह जानकारी में यह बात सामने आई कि एक युवक जो उनके सहारा बैंक में गए रहे, उनका सहारा बैंक के महिला एजेंट से बातचीत हो गए और ये दौरान महिला चप्पलन से युवक के धुनाई कर दें, जिसके बाद युवक घरे जाए के सलगा मामला अपने परिजनन का बताए। ओके बाद दर्जन महिला सहारा बैंक दफ्तर के भीतर सकाए के महिला के साथ चप्पलन से मारपीट करे। बुलेटिन की अगली खबर पन्ना से रही, जहां उत्तर वन मंडल वाले वन परिक्षेत्र में ही धर्मपुर के सिद्धपुर बीट के जंगल के पहाड़ी में सिद्ध बाबा के स्थान में बहुत संख्या में श्रद्धालु बधाई पूजन करेंगे रहे। जोने के दौरान पूजा पाठ करे में जब सब मगन रहे तो समय में ही मधुमक्खी के हमला होगा, जोने में ही श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गए। ये घटना में ही दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हवा और आधा दर्जन से अधिक लोगों का गंभीर चोट आई है। बुलेटिन की अगली खबर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र रीवा से रही, जहां पांडेन टोला मोहल्ला में ही निवर्तमान पार्षद राम प्रकाश डैडू के घरे के बहिरे से करीब रात 10 बजे के आसपास मोटरसाइकिल चुराए के चोर चंपत में हैं। ये घटना के सीसीटीवी फुटेज मिला है, जोने के बाद पुलिस से मामला में ही जांच में जुटी है। जानकारियां मिली है कि जिनकर मोटरसाइकिल चोरी भई है उनका नाम राजेंद्र शर्मा है, जो उनके पांडेन टोला के रहने वाले आई, जो उनके घटना के बाद पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। बुलेटिन की अगली खबर चोराटा थाना से रही, जहाँ सराफा के दुकान में पुलिस के नाक के नीचे से बदमाश चोरी करें। अपना बता दें कि सांची के डेयरी के नियर खुशी ज्वेलर्स के दुकान में ही बदमाश धावा बोल दी, जहां से तिजोरी का उठाए के नवनिर्मित भवन में ही ले जाए के तिजोरी के ताला तोड़े के प्रयास करें। वह ये घटना में चोर सफल नहीं भे। बुलेटिन के अगली खबर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हटवा गांव से रही, जहां के सरहांग शिवेंद्र सिंह और सरिता सिंह के आतंक है। अपना बताई दी कि आए दिन पीड़ित जो उनके भूतपूर्व सैनिक हैं उनके और उनके परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज करा थमा। अपना बताई कि पीड़ित यह बताई कि उनके जमीन में ही जबरन कब्जे के नियत से बैकुंठपुर से कथित गुंडन के साथ आवा था और उनके साथ और उनके परिवार के महिलन के साथ हो मारपीट करी नहीं बे। वहीं मामला में ही बैकुंठपुर पुलिस के पास FIR दर्ज करावेगे, जहां पुलिस FIR दर्ज त नहीं करी पर आरोपी उनके खिलाफ उल्टे मामला दर्ज कर दी नहीं बे। अपना बताई कि पीड़ित कहीं के पुलिस मामला के कोनो मेर के जांच करें बिना उनके खिलाफ FIR दर्ज करनी नहीं पाई। यार एक बार 12 दिसंबर 21 का टाइम पड़ा है और एक फरवरी को, तो हमको राजकुमार मिश्रा जी यही बोले कि मार के आओ तब हम FIR दर्ज करते हैं, नहीं हम कोई FIR दर्ज नहीं करते। ये कौन है? ये TI हैं, बैकुंठपुर थाना TI हैं राजकुमार मिश्रा। उन्होंने स्पष्ट रूप से 2 बार गया, 3 बार गया, विनती किया, वो यही बोलते हैं कि आप मार के आइए तब हम FIR, हमें नहीं, कई लोगों को बोला है जो रिपोर्ट करने आए उनको भी यही बोले कि मार के आओ, झगड़ा अच्छा से करके आओ तब हम FIR दर्ज करें। हम कहे चलो इनका काम ही है, छोटी छोटे घटनाओं में कल बड़ी घटना हो सकती है, इसका जिम्मेदार जो कुछ होगा तो पुलिस प्रशासन बैकुंठपुर थाना होगा। तो आपकी तरफ से FIR दर्ज नहीं हुई? हमारे तरफ से FIR दर्ज नहीं हुआ, हम इसीलिए SP जांच FIR दर्ज ना करने का कारण क्या है, पुलिस क्यों नहीं कर रही है FIR? अब ये पुलिस ही बता सकती है, एक राजकुमार मिश्रा जी बता सकते हैं, मैं ये नहीं बता सकता कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके ये क्या आधार है, क्या बात है, किसका दबाव है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ की जाँच SDOP साहब के तहत की जाए और मतलब निष्पक्ष जाँच हो, क्योंकि वो ये कहता है कि हमारा बैकुंठपुर थाना हमारे हाथ में है और पुलिस प्रशासन से मैं जैसा चाहूँगा वैसे करवाऊँगा। राजकुमार मिश्रा जी जो उसके इतने दबाव में हैं कि वो CM है, किसके दबाव में है, कौन है ये? उसी शिवेंद्र प्रताप सिंह के, और वो घर में आके सरिता सिंह और शिवेंद्र प्रताप सिंह घर में आके हम लोगों के यहाँ पे इतनी भद्दी गाली और इस तरह का वक्तव्य बोलते हैं कि हम लोग सह नहीं सकते। मैं खुद ही रिकॉर्ड है, मतलब वहाँ पे बैठा हूँ, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे मोबाइल में, पुलिस प्रशासन बिना जांच के ही FIR दर्ज कर ली।
क्या घटना घटित हुई आप लोगों का? जो सीबीएम सिंह और सरता सिंह है वो लोग हमको रोज परेशान करते हैं। मैं 7 साल का लड़का लेकर अपने छत पे रहती हूँ और लोग रोज हम लोगों को आते हैं, कहीं जो 2-4 लड़की लेकर आते हैं, कभी 2-4 लड़के लेकर आते हैं और गंदी गंदी गाली देते हैं हमको। पहले भी 11 साल पहले भी हमको बहुत मारे थे वो लोग। परेशान होने की वजह क्या है, करने की वजह? परेशान होने की वजह कुछ है कि मतलब वो लोग जमीनी विवाद है, लेकिन हम लोग चाची के यहाँ जाते हैं, हम जाते हैं इसलिए हमको ज़्यादा परेशान लोग कर रहे हैं। लेकिन रोज के हर रोज के काम है, 2-3 दिन के बाद आते हैं लोग को 2-4 आदमी को लेकर आएंगे, कभी 2-4 लड़कियों को लेकर आएंगे, हमको रोज परेशान करते हैं। हमारे पति बाहर हैं, उनका एफआईआर दर्ज किए हैं। रीवा जिला माही जमीन के खरीद फरोख्त के मामला माही धोखाधड़ी के बात सामने आई है। पनक बता दें कि पीड़ित राम कलेश साकेत बताएं कि उनके साथ जमीन के रजिस्ट्री करावे के नाम पर 3 साल पहले उनसे करीब 1.5 लाख रुपया लेके विनोद शुक्ला और उनकर साली मिल के जमीन के एग्रीमेंट तकराए, लेकिन ओके बाद वो हर 6 महीने में एग्रीमेंट के रिन्यूअल कराए और वह 3 साल बाद जमीन के हूँ और का बेच दीन भाई। अपने बता दें कि पीड़ित ये जानकारी दीन के आरोपी करार टूटे के बाद उनकर ब्याज सहित रुपया लौटावे के लिखित तौर पर आश्वासन दे रहे हैं, जो उनके मांगे पर उनके साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दन के प्रयोग कई के उनके साथ गाली गलौज की जाला ही भाई। कर लिए ने करवा दिया दूसरे के नाम पे, रुचि के नाम, ये रजिस्ट्री हमारे नाम पे होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले पैसे दे रखा था और हमारी इसमें डेट भी था, टाइम भी था। इन्होंने बोला कि आ जाओ, मैं जैसे आया मेरी रजिस्ट्री करा दे दूसरे के नाम से, अब मेरे को लटका रखे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? राम कलेश साकेत। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम है ब्रिजेश गौतम, मेरा गांव का नाम है ग्राम मैदानी। कौन सा थाना? थाना चिरहट्टा। बताइए। राम कलेश हमारे मित्र हैं, इन्होंने मेरे सामने ही एग्रीमेंट कराया था कलेक्टर से लगभग 3 साल पहले, और इन्होंने कहा कि ये जो विनोद शुक्ला है इनकी ससुराल इन्हीं के घर के ठीक बगल में है, उनकी सालियों के नाम से ये जमीन थी, तो उन सब ने मिलकर कहा कि हम ये ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो इसको भतीजा समझ के इससे पैसे ले लिए थे। इनने पहले 50,000 रुपया दे दिया और इनने मुझे नहीं बताया था, जबकि हमारे मित्र हैं। इसके बाद फिर इन्होंने जब दूसरी बार उनने पैसे की मांग की तो ये हमारे पास आया कि चलिए हमारा एग्रीमेंट करा दीजिए, तब 1 लाख रुपये हमने ही गिन के इन्हें दिया था, वहीं कलेक्टर के ATM में घुस के पैसे इनके थैले में थे निकाला था और 1 लाख रुपये इन्हें दिया था। उन्होंने एग्रीमेंट करवा लिया कि ये ज़मीन जो है तो हम इन्हीं को देंगे, 6 महीने का एग्रीमेंट था, ये भी कहा था कि अगर हम ज़मीन नहीं देंगे तो आपको ब्याज सहित पैसा लौटा देंगे। फिर रिन्यू कराया, हर 6-6 महीने में इन्होंने एग्रीमेंट को रिन्यू कराया है, अगले 4 बार तक इन्होंने रिन्यू कराया 2 साल तक, और ये कह रहे थे कि हम रजिस्ट्री करा देंगे, अभी रेल पुष्टिका नहीं बनी है। ऐसे ही करके इनकी पेशी होती थी, अब पता चला है कि उस बंदे ने किसी दूसरे व्यक्ति को ज़मीन बेच दी है और इनका पैसा नहीं दे रहा है। अभी ये परसों ही गए थे, इसकी शिकायत आपने थाने में करवाई होगी? परसों ही गए थे पैसा मांगने के लिए, तो उसने इनके साथ इनने बताया कि मारपीट की है, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, तब जाके इन्होंने थाना चौराहा में कल आवेदन दिया है 3 फरवरी 2022 को, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि कार्रवाई करें, हमारा पैसा दिलाएं, नहीं तो हमको जमीन ही चाहिए। तो आज के बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लाने दे इजाजत, देखते रहिए मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।